नवरात्रों के दृष्टिगत विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर को रंगारंग लाइटों से सजाया गया है। इस बार पंजाब सेवा सोसाइटी लुधियाना के द्वारा मंदिर की सजावट का काम किया गया। हालांकि मेले के दौरान सभी विभागों के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग, पुलिस, मंदिर न्यास, चिकित्सा विभाग, विद्युत संचाई विभाग के द्वारा लोगों को किसी भी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। मेले के दौरान मंदिर की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा मंदिर के सदाव्रत लंगर में श्रद्धालुओं के खान पान की व्यवस्था की गई है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि के भोजन की पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में होमगार्ड के जवान, पुलिस बल और एक्स सर्विस मैन, फौजी और महिला पुलिस बल की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि आज यानी कि 6 अप्रैल से चैत्र नवरात्रे शुरू हुए हैं। नवरात्रों के दौरान नैना देवी में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के अलावा पूरे देश से श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचते हैं और इस बार चुनाव होने के चलते इस मेले में राजनेताओं और नेताओं के आने की भी प्रबल संभावनाएं हैं, जिसको देखते हुए सरकार द्वारा पूर्ण प्रबंध किए गए हैं। सब संवत्सर शुरू हो गया है। नवरात्रे, चैत्र नवरात्रे माता नैना देवी जी के मंदिर में हर साल की भांति इस वर्ष भी खूब धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। मंदिर न्यास की तरफ से हर प्रकार की सुविधा देने के लिए सारे प्रबंध कर दिए गए हैं। यात्री ज्यादा से ज्यादा माता जी के दर्शनों के लिए आएं और यहाँ करके आशीर्वाद प्राप्त करें, यही हमारी मनोकामना है। जय माता। पिंड झांडिया तो आए हैं अभी, हरेक मतलब 6 महीने बाद महाराण जी जोत लैन वास्ते आते हैं। महाराण जी बड़ी अपार कृपा है साढ़े पर भी, साढ़े इलाके पर भी, जेडे अभी 6 महीने जी इतने महाराण जी जोत लैन वास्ते आते हैं। न्यू बंस लैंड धनौना जी मंदिर की डेकोरेशन की है, सेवा तौर करके पानी से जिम्मे होंगी है महामारी की कृपा उम्मीद भारी की है। जो भी नवरात्रे ने, नवरात्रे ने सारे दिन लैंड चलती रहेगी जी। तो पिछले साल भी है, पिछले साल भी लगाई थी नवे साल से बैक जी। देवी की इच्छा होंगी महामारी की भी, जिम्मे देवी हो सेवा करवानी है जी, उम्मीद आप सेवा करा।